नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को क्रोम म्यूजिक लैब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। सबसे पहले अपन को गूगल में जाके क्रोम म्यूजिक लैब टाइप करना है। उसके बाद में जो फर्स्ट लिंक आती है क्रोम म्यूजिक लैब की, उसको ओपन करना है। उसके बाद आपके पास सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको फर्स्ट वाले पे सॉन्ग मेकर पे क्लिक करना है। ये आपका डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें आप सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग या कोई भी लेख बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये बनाई। यहाँ पे आप ड्रम वगैरह सब कुछ चेंज करके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से प्ले करते हैं अपने, इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल भी डाल सकते हैं इसमें। मैं यहाँ से दूसरा एक इसे रिसेट करके दूसरी धुन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। इसमें आप सारे गामा के रूप में भी बना सकते हैं। ये देखिए, सारे गामा पाधान। इसमें इंस्ट्रूमेंटल आप म्यूजिक रिमिक्स के टाइप से बना सकते हैं। दोबारा से यहाँ से आप रिसेट करके अपनी कोई नेक्स्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से मैंने ये ड्रैग किया, ड्रैग करके मैं यहाँ पे दूसरी धुन बनाई। कोई एनिमेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आपके नाम की धुन बना सकते हैं। ये जो आपने धुन बनाई है, इसको सेव करके यहाँ से इसके जो लिंक दे रखी है, इसे कॉपी करके अपने दोस्तों वगैरह को भेज सकते हैं, जो आपकी ये धुन सुन सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट करके यहाँ से पेस्ट किया। यहाँ पे आप उस धुन को, अपनी धुन को सुन सकते हैं। नई टैब पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने धुन बनाई थी वो आपके सामने ये आ गई है। आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं इसे। ये देखिए,